सबसे पहले आप सभी आदरणीय जनों का श्री सिविल लाइन गणेश उत्सव समिति परिवार स्वागत वंदन अभिनंदन करता है आज की इस खिलखिलाती गुनगुनाती संध्या में, जहां पर आप सभी एकत्रित हुए हैं। और जहां तक मुझे पता चला है कि ये 50वां वर्ष है आपका। लगातार कई वर्षों से ऐसे धूमधाम से ऐसा उत्सव इस परिसर में मनाया जा रहा है और हम सभी अपने व्यक्तिगत काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन इस मोहल्ले में, इस पूरी लाइन में मैंने देखा कि जगह जगह पर प्रभु श्री गणेश जी विराजे हैं। यह अत्यंत हर्ष का विषय है। और ये 50वां वर्ष है, जो हमारी प्यारी सी समिति है श्री सिविल लाइन गणेश उत्सव समिति सुहागपुर वार्ड नंबर 4। और 50वें वर्ष में बगल में इतनी अच्छी झांकी सजाई गई है प्रभु श्री केदारनाथ जी की। अगर इस समिति ने इतना अच्छा मौका दिया हमें भक्ति से जुड़ने का और इतना अच्छा दरबार सजाया, तो एक बार जोरदार तालियां इस समिति के लिए होनी चाहिए आप सभी के माध्यम से, क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं जो हम सभी को धार्मिक कार्यों से जोड़ते हैं और मन में उड़ाव लाकर ऐसे कार्यक्रम आप सभी के समक्ष लाते हैं। तो इस समिति के जितने भी सेवादार हैं, जितने भी भक्तगण हैं जिन्होंने आयोजन किया है और 50वां वर्ष है लगातार, उनके माध्यम से प्रभु श्री गणेश जी की प्रतिमा यहां विराजी गई, साथ ही साथ केदारनाथ जी की प्यारी सी झांकी भी सजाई गई है, जो कि पूरे इस शहडोल संभाग में चर्चा का विषय है कि सुहागपुर में सिविल लाइन में के प्रांगण में बहुत ही प्यारी झांकी सजाई गई है। तो उस प्यारी सी झांकी के लिए भी एक बार चाहूंगा जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सभी के माध्यम से। तालियां सिर्फ इसलिए भी है कि ऐसा प्रयास बहुत कम लोगों से होता है और जैसे हम अपने घर के उत्सव मनाते हैं वैसा ही उत्सव यहाँ पर इस प्रांगण में मनाया जा रहा है। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम नित प्रतिदिन अपने काम में व्यस्त रहते हैं, अपने काम में व्यस्त रहकर अपने घर की सेवा करते हैं, घर में पूजा पाठ करते हैं, लेकिन आज सौभाग्य से समिति के माध्यम से हमें प्रभु श्री गणेश जी का और सभी देवी देवताओं का आवाहन करने का अवसर प्राप्त हुआ है इस मंच के माध्यम से। तो हम अपने हृदय के सागर से वंदन अभिनंदन करते हैं इस प्यारी सी समिति का। तो आइए आप सभी को इस भजन संध्या जागरण की ओर लेके चलते हैं और श्री सिविल लाइन गणेश उत्सव समिति परिवार के साथ हमारा ये जागरण समिति परिवार, श्री विनायक जागरण समिति परिवार आप सभी का वंदन अभिनंदन करता है आज के इस खिलखिलाती गुनगुनाती हुई संध्या में, जहाँ पर आप सभी एकत्रित हुए हैं और अपना अमूल्य समय दिए हैं। और साथ ही साथ मेरा ये पूरा ग्रुप जो है, हम सभी आपका वंदन अभिनंदन करते हैं आज के इस गुनगुनाती हुई संध्या में। तो आइए प्रभु श्री गणेश जी के इस प्यारे से उत्सव में हम सभी जाते हुए प्रभु श्री गणेश जी का आवाहन करते हैं, उससे पहले स्तुति कर आज के इस जागरण के कार्यक्रम में प्रवेश करते हैं। मेरा आग्रह है समिति के जितने सेवादार वहां पे खड़े हुए हैं, जो लोग पीछे खड़े हैं उनसे आग्रह की समिति ने इतनी अच्छी व्यवस्था की बैठने की, तो वो बैठ जाएं। अभी आप सभी से मेरा आग्रह है, जो लोग खड़े भी हैं उनसे आग्रह है कि वो बैठ जाएं अपने स्थान में और बैठ कर आज की इस भजन संध्या का आनंद लें। आइए आज की इस भजन संध्या में हम सभी प्रवेश करते हैं और स्तुति वंदना करते हैं उस ईश्वर से, उसके बाद प्रभु श्री गणेश जी के सारे भजन आप सभी श्रोताओं के आंगन में रखेंगे। I'm
अपने अंदर से गाने एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और जितने भाई मातृ शक्ति के पीछे बैठी है भाई बंधु, एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जितने सच्चे भक्त हैं जहां तक नजर जा रही है क्या बोलेंगे, बोल लाल झूला लाल माता लाल छोटी सी एक बच्ची आई है और माँ का स्वरूप जो होती है वो प्यारी सी बच्ची रहती है। और क्या खूब कहा गया है कोई भी माँ का जो स्वरूप होता है बहुत ही अच्छा मौसम भी बना हुआ है बिल्कुल, है ना। तो कौन कौन झूम के नारे एक बार आ गया रे भाभी, अगर शर्मा नहीं रही है तो अरे क्या बात है, एक बार जोर नारे भैया के लिए जितने भी भक्त हैं गणेश जी महाराज के दोनों हाथ में उठा के बोले गणेश जी महाराज की, गणेश जी महाराज की, क्या बात। और मैं चाहूंगी अब कौन कौन झूमेगा नाचेगा भाभी और भैया लोग भी आगे आ जाएंगे ठीक है। ओ मेरी झोपड़ी के I'm gonna make you mine।
बोलो जय श्री राम बोलो। कौन सा नारा? आवाज नहीं आ रही सारे ग्रुप में। आज आठमती में गणेश जी महाराज का तो व्रत तो नहीं है ना आपको? एक बार दोनों हाथ उठाकर गणेश जी महाराज के चरणों में आवाज जानी चाहिए। कौन सा नारा? कौन सा नारा? हर घर में अब अब देखिए जितनी मलाई थी वो मलाई आप लोग है ना कम बचे हैं लेकिन बहुत दम है। मैं चाहूंगी सभी मेरी माताएं बहने आ जाए सभी और भैया लोग जो इधर उधर खड़े हैं आप लोग भी आ जाएंगे तो आनंद आएगा। सभी आ जाइए सभी आ जाए सभी आ जाए बार बार बोलना नहीं पड़े। मैं चाहूंगी भगवान जो धारण करके बैठे हैं भैया आप दादाजी आप ही का नंबर लगे आपका आपका आप तीनों को ही माहौल बनाना है और झूमना नाचना है। मैं चाहूंगी सभी आ जाए सभी सभी में ये नहीं कि मैं नहीं आऊंगी मैं नहीं आऊंगी नहीं सब कोई आ जाएंगे तो आनंद आएगा। ना के ना दुनिया सो है आप लोग भी नाचना है भाई तो भाई हाथ में झूठ 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 झूठ
माता को आप सभी भक्तों ने इतने प्यार से बुलाया, इतनी श्रद्धा से बुलाया आप लोगों ने कि माता साक्षात आ गई। बच्चों की भैया लोग जो व्यवस्था बनी है सभी झूमते हुए झूठ झूठ बोले आगे।